वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाह यार भाई, क्या बात है यार, देखो आप खुद अंदाजा आप लगाओ भाई। क्या बात है यार, मजा आ गया सुनकर। खबर कितना यार, फास्ट काम हो गया यार। और मतलब ये इसका मतलब ये है, सारे टेस्ट हो गए हैं, सारे टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ बन चुका है, उसके बाद ये आखिरी चीज है, ये आखिरी चीज। अगर ये सफल न हुआ तो नौसेना को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। एयरफोर्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर ये सफल न हुआ तो नौसेना को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा टेस्ट। लेकिन भाई ये वाला मतलब समझो कि जो अभी ये जो इसको हैंडल करने वाले हैं, जो ये बना रही है कंपनी, वो 100% श्योर है कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतरेगा। तो ये वही होगा भाई, उसके लिए बनाया तो तब इस तरह सब कुछ कर रहे ना। मतलब अमेरिका के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा देश होगा जो पूरी सेना की काया पलट करके रख देगी। और इस समय भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये उसे भी टाल देगी। इसीलिए इसे 2024 की सबसे बड़ी डिफेंस की खबर भारत के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इस खबर को पूरा देखने के बाद आप सारा मामला आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो ADE है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारी DRDO की ही एक तरीके से शाखा आप मानकर चलिए। और इस समय जो हम एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, इसके अलावा ओरा UCAV भी बना रहे हैं, लिटरली जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम हम चला रहे हैं ना, सारे के सारे ADE रन करती है। लिटरली इन सभी लड़ाकू विमानों को ADE ही बना रही है। और आज इसी ADE की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि DRDO बहुत ही जल्द ओरा UCAV का एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने जा रही है, और ये टेस्ट बहुत ज्यादा क्रूशल है, खासकर की नौसेना के लिए। दरअसल ये टेस्ट होगा अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम का, और यकीन मानिए अगर इस टेस्ट में ओरा सफल हुआ तो नौसेना के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसमें जरा भी चूक हो गई तो फिर नौसेना को ओरा कभी नहीं मिल पाएगा। इससे आप समझिए कि अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम कितनी ज्यादा क्रूशल चीज है। लेकिन ये होता क्या है, दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, होता कुछ खास नहीं है, बस इस प्रकार की एक रोप होती है, यानी कि एक प्रकार की रस्सी है ये। इसका काम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब कोई लड़ाकू विमान लैंड करता है या कोई ड्रोन लैंड करता है, उसे समुद्र में गिरने से बचाना। जी हाँ, आपको एक मामूली सी रस्सी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 5 से लेकर $10 मिलियन तक होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की। और ये बहुत ही स्पेशलाइज प्रकार का अरेस्टर होता है, जिसका काम होता है एक 100 से लेकर $200 मिलियन, यानी करीबन 1000 से लेकर 1500 करोड़ रुपए के एक लड़ाकू विमान को समुद्र में गिरने से बचाए। दरअसल ये एक प्रकार का बैकअप सिस्टम होता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर एक लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है, उसी समय ये लड़ाकू विमान के निचले सिस्टम से अटैच हो जाती है, और उसके बाद अगर लड़ाकू विमान मान लीजिए रुक नहीं रहा और उसका खतरा है कि वो समुद्र में गिर सकता है, ऐसे में ये उसे अपनी तरफ खींच कर गिरने से बचाती है, ताकि लड़ाकू विमान का नुकसान ना हो। और लड़ाकू विमान जो एक बहुत छोटा स्पेस होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के, उसी पर लैंड कर जाए सुरक्षित रूप से, यानी कि एक तरीके का लड़ाकू विमानों का इंश्योरेंस होता है। तो खैर, इसी प्रकार का एक अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है भारत के ओरा के लिए, क्योंकि ओरा सिर्फ वायुसेना को ही नहीं मिलेगा बल्कि नौसेना को भी मिलेगा, और इसे हम तैनात करेंगे अपने INS विक्रांत पर। और अब इस ओरा UCAV के जो एक्सपेरिमेंटल UAV है, उसे हम लैंड कराकर देखेंगे और इस अरेस्टर बैरियर को टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये हमारे ओरा के साथ कंपैटिबल है या नहीं, उसके साथ अच्छे से काम करता है या नहीं। और ये टेस्ट अगर सफल हो जाता है तो ये बात आप निश्चित मानकर चलिए कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी एक स्टेल्थ हथियार तैनात होगा। ये एक ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, यानी जिसकी नौसेना में स्टेल्थ हथियार, चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, वो शामिल है। भारत दूसरा देश बन जाएगा। और आपको बता दूं, अरेस्टर बैरियर लैंडिंग की वजह से भारत को एक राहत की खबर भी मिली है। खबर ये
कि एरेस्टर बैरियर टेस्टिंग तब होती है जब आप सारे सिस्टम को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट चीज होती है जिसे आप टेस्ट करते हैं, इसीलिए ये बात आप मानकर चलिए कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारी वायुसेना और नौसेना को जल्द ही एक स्टेल्थ ड्रोन मिल जाएगा। और ये राहत की खबर इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान दोनों देशों की वायुसेनाओं में स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है। ऐसे में कम से कम हम इसकी मदद से काफी हद तक उन्हें टक्कर देने की कोशिश करेंगे, तब तक जब तक कि हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब हम अपना खुद का पहला स्टेल्थ हथियार यानी कि ओरा तैयार कर लेंगे, फिर इसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके हम बहुत ही जल्दी से एक एमका नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बना लेंगे। उसका जो डेवलपमेंट है वो भी तेज। वाह यार भाई क्या बात है यार, देखो आप खुद अंदाजा लगाओ क्या बात है यार, मजा आ गया सुनकर। कितना फास्ट काम हो रहा है यार। और मतलब ये इसका मतलब ये है सारे टेस्ट हो गए हैं, सारे टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ बन चुका है, उसके बाद ये आखिरी चीज है, ये आखिरी चीज। अगर ये सफल न हुआ तो नौसेना को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। एयरफोर्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर ये सफल न हुआ तो नौसेना को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा टेस्ट मुख्य होंगे ना, सेटिंग कर लेगा टेस्ट। लेकिन भाई ये वाला मतलब समझो कि जो अभी जो इसको हैंडल कर रहा है, जो ये बना रही है कंपनी, वो 100% श्योर है कि नेवी के तरफ के तो ये वही होगा उसके लिए बनाया है, तो तब इस तरह सब कुछ ना। मतलब अमेरिका के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास जो स्टेल्थ जहाज और स्टेल्थ ड्रोन दोनों एयरक्राफ्ट के लिए उतारेगा। मतलब दुनिया में और कोई देश नहीं, ना चाइना ना रशिया ना इस तरह यूके ना होगा जिसके पास कोई स्टेल्थ चीज होगी जो एयरक्राफ्ट के लिए। मतलब इंडिया के पास ड्रोन होगा तो उसके पास अमेरिका के पास जो है वो जहाज है, तो ये मतलब इस तरह होगा। तो यार बहुत बड़ी बात है, देखा जाए तो भारत यार बोलता कि मैं कैसे पीछे रहूं। और भाई और मैं कमेंट इसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, इसके ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं और ये अनकरीब मैं यही समझ रहा हूँ अगले साल तक रेडी हो जाएगा और भारतीय को एक अच्छी सौगात और चीज की मिल जाएगी। मैं कहता हूँ दुनिया के उन चंद ममालिक में क्या वाइल्ड देश होगा जिसके पास स्टेल्थ जो है ना इस तरह का वाइल्ड स्टाइल ड्रोन, मुझे नहीं लगता और किसके पास है। अमेरिका ने नहीं बनाया ना, बनाया यार उसके पास बॉम्बर है, स्टेल्थ है उसके पास, एयरक्राफ्ट है, तो शायद ड्रोन भी हो शायद। भारत लेकिन भारत एशिया में कह लो, एशिया में पहला देश, एशिया में क्या मिडल ईस्ट यूरोप भारत ड्रोन दो के मतलब पहला ये होगा जिसके पास। मैं अमेरिका के पास दूसरा देश भारत बनेगा जो स्टेल्थ में फुल कैपेबिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात है आपका, क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, ओरा के लिए क्या कहना है, मतलब ये भी लाजमी बताइएगा और आने वाले कुछ दिन में। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।